विरोध बाब तुम्ही हांगासर येलेले एमपी श्रीपाद नायक मेळपाक हांकां पुरस्कारां घेवन सांगूंक शकता कितें जालां पयलें सद्याक तुमकां खबर आसतलें की पयर आमी सुप्रिंटेंडंट जो पोस्ट ऑफिसर आसा ताका वचून मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें की तेंच्या हातीन कांय ना म्हणून पावस आमचे कडेन कांय ना म्हणून ताणें बरोवनी दिल्ली आसा लेखी दिल्ली आसा की हें सगळें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशना कडेन आसा म्हणून आनी आमचे जे भुरगे आसा तांकां 7 जाणांक कामाचे टर्मिनेट केल्ले आसा तेजे आमी मेमोरेंडम घेवन आयज श्रीपाद नायका कडेन येयल्ले आसा ऑनरेबल एमपी आनी युनियन मिनिस्टर सो दॅट ही मॅसेज आसा ती सेंटराकूय पावपाक जाय आनी तेणें सेंटराक सांगचें पडटलें की अशें आमचे जे लोकल आसा ते लोकलांक कित्याक लावन काडटा फाल्यां कितें जातलें एवरी टायम लोकलांक काडीत रावले हेजे मागीर आनीक 33 जाण आसा तेंकाय फाल्यां काडूंक शकता सर हिंदी में कुछ बोल सकते थोडे लोगों को समझ में नहीं आएगा ना आप कोंकणी में बोलेंगे तो सो जो हम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो इंडिया पोस्ट का है उनको मिले थे क्योंकि हमारे जो 7 पोस्टमैन जो लोकल पोस्टमैन है गोवा के पोस्टमैन है उनको निकाला और वो करीबन 18 साल से काम कर रहे हैं थोड़े लोग 15 साल से थोड़े 12 साल से रीज़न क्या है सर उसका रीज़न निकालने का? रीज़न उनको कुछ भी नहीं बोला उनको बोला पोस्ट मास्टर ने कि कल से आप नहीं आने का सो वो भी शॉक हो गए क्या रीज़न है सो रीज़न पूछने के लिए वो फोंडा पोस्ट मास्टर से पूछा उन्होंने कि रीज़न वो बोल रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर आया इसलिए हम निकाल रहे हैं उनको उसके बाद हम लोग रेवोल्यूशनरी टीम रेवोल्यूशनरी गोन्स की टीम और पोस्टमैन जिनको निकाला है 7 लोगों को उनको लेके हम सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट इसके पास गए उनसे पूछा कि ये रीज़न क्या है वो बोल रहे हैं कि रीज़न हमें पता नहीं कुछ भी नहीं उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं ये ऑथोराइज है ये भी उनके पास नहीं क्योंकि ये बोल रहे हैं वो डेली वेज वर्कर है और डेली वेज वर्कर है तो उनको स्लिप भी नहीं दे रहे थे कुछ भी नहीं दे रहे थे सो ये कैसे काम कर रहे थे अभी इतने साल ये काम कर रहे हैं और सेंटर गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वही कुछ जो लॉ अबेड नहीं कर रहा है वो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं सब कुछ हाथ में मिनिस्ट्री के पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पास है और हम कुछ नहीं कर सकते हमारा पावर कुछ नहीं है सो मैंने अभी आपकी अपेक्षा श्रीपद नायक से क्या है सो हमारी अपेक्षा यही है कि इन लोगों को ये 7 लोग और उसके साथ बाकी के जो टोटल मिला के 40 लोग है 40 पोस्टमैन है उनको फिक्स करने का और उनको काम पर लेने का क्योंकि क्या हो रहा है कि बाहर से कोई भी आ रहा है वो अप्लाई कर रहा है और लोकल लैंग्वेज का उधर टर्म डाल रहे हैं लेकिन लोकल लैंग्वेज जहाँ पर कोंकणी है उनको कोंकणी भी पता नहीं वो उनको डायरेक्टली इधर ले रहे भर्ती कर रहे अभी 5 बंदों को भर्ती किया है सो ये हमारे ऊपर गोवा वासियों के ऊपर नाइंसाफी है ये नाइंसाफी हम सहन नहीं करेंगे हम वही चीज़ बोलने के लिए अभी श्रीपाद नायक को वही चीज़ बोलने के लिए इधर आए हैं कि इनके ऊपर नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर इनको जस्टिस मिलना चाहिए और ये जस्टिस के पूछने के लिए हम इधर आए इनमें से कौन लोग हैं जो यहाँ पे बात कर सकते हैं कोई बात कर सकते हैं क्या ये अभी ये हमारा पोस्ट मास्टर है आपका नाम बोलो सर मेरा नाम संजय सालगीकर है मैं करीबन 12 साल से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ और हमारा ऐसा कुछ कंप्लेंट भी नहीं है जिससे हमको निकाला जाए हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे थे 12 साल तक तो एक दिन ऐसा हो गया कि सोमवार को हम जब पोस्ट ऑफिस में गए तो उन्होंने हमको हमारा जो पोस्टल जो मोबाइल था उनको सबमिट करने को लगाया और हमको बोला कि आज से तुम्हारा ड्यूटी ऑफ है आज से तुम काम को नहीं आने का तो हम लोग नया जो अपॉइंट किया तो हमने पूछा कि नया किसको आपको कोई रिटर्न कुछ दिया है नहीं आपको कुछ नहीं ओरली बोला है ओरली बोला था क्योंकि हम लोग ओरली भी ज्वाइंट हुए थे तो ओरली बोल दिया तो उन्होंने जब मैंने पूछा कि ये किधर से है तो बोलने लगा ये महाराष्ट्र से एग्ज़ाम पास होके आए हैं तो जितने बंदे आए थे उन्होंने सब मराठी के लोग हैं जो गोवा का तो कोई इसमें का दिख रहा नहीं है क्योंकि उनके नाम से और उनके लैंग्वेज से तो पता चलता है कि वो लोग बाहर से और कोई आपके साथ जो बात कर सकते हैं हमारे साथ हेलो मैं सुहास नायक हूँ मैं 18 साल से फोंडा पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ मेरे पास अभी प्रूफ भी है एसेंशियल्स भी है और जो हमको पेमेंट्स देता था वो भी है मेरे पास जेरोक्स कॉपी और ऊपर से वो साहब बोल रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम लोग ऐसा ही है बिन बुलाए मैं आए जाओ गए तुम्हारा ऐसा ही है तो आप क्या एक्सेप्ट करते हैं आप अपने कामदार से या श्रीपद नायक से फिलहाल जो हम रेगुलर काम करता था वैसे हमको फिक्स करके अभी सब लोगों को जो निकाला है उनको फिर से ले लेंगे ऐसा
फिक्स, वो भी फिक्स फिक्स जॉब, अभी 18 साल से काम कर रहे हैं। आता मैं एक सामान तुम्हारे कितना दिवस काड़ी जॉब।